भारत माता की। भारत के जो मतदान केंद्र हैं, उन मतदान केंद्रों का हर गांव में जाकर के सभा लेना पॉम्पेबल हमको कार्यक्रम को पहचान बनेगी और आपकी पहचान बनेगी तो आपका स्थान करना पड़ेगा। आने वाले समय तो 50 बूथ मतलब एक विधानसभा क्षेत्र में 2500 जो है वोट, अगर 50 बूथ एक बूथ में बढ़ता है उनको अच्छा करें और उसके बाद में हम फेसबुक पर आप सभी से मैं करता हूं। साथ साथ में 28 मई को मन की बात भी है और मन की बात का कार्यक्रम को भी सारे बूथ लेवल पे करना है। सब लोग उस कार्यक्रम को बूथ लेवल पे करें और इसके साथ में एक कार्यक्रम जो 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी का बलिदान दिवस है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत। कैसे वो चार कार्यक्रम कहाँ कहाँ कैसे कैसे हमारे संदेह के घेरे में न केवल सोनवानी है बल्कि पूरा पीएससी के किए गए एग्जाम में जिस प्रकार की चर्चा बाजार में है, जिस प्रकार आम आदमी चर्चा कर रहे हैं, 15 साल हम लोगों ने पीएससी किया, एक आरोप कोई लगाने की हिम्मत नहीं कर सका। बाजार में खुलेआम चर्चा है 75 लाख रुपया लेकर पीएससी में लोगों को पास करने का काम किया है। चेयरमैन और चेयरमैन के परिवार के लोग, अधिकारियों के बेटे, बड़े बड़े उद्योगपतियों के बेटे, पहली बार हो रहा है कि ऐसे ऐसे चेहरे सामने आए हैं जो कभी 10वीं और 12वीं एग्ज़ाम में जिनका परसेंटेज 50% से भी नीचे था, आज वो टॉप में और ऊपर में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये स्थिति पूरे छत्तीसगढ़ की है। माननीय गवर्नर ने लोगों के जो शंका और ज्ञापन दिया था, सही कदम उठाया है। इन पूरे मामलों के तथ्यों के साथ जानकारी होना चाहिए। युवा मोर्चा का प्रदर्शन अभी आगे इसमें और जारी रहेगा जब तक पूरी जांच के लिए कोई आदेश न हो जाए। आज की बैठक हुई है, उसका क्या विषय था? ये महाजनसंपर्क अभियान 30 जून तक चलने वाला अभियान है, 30 मई तक, और उसमें केंद्र सरकार के 9 साल 30 मई को पूरा होने वाले हैं मोदी जी के, उनके 9 साल के अचीवमेंट को, उपलब्धियों को जन जन तक ले जाने का काम और कार्य योजना है, जिसमें बूथ से लेकर जिला और प्रदेश स्तर तक का, इसमें बड़े कार्यक्रम होंगे विधानसभा स्तर में, लोकसभा स्तर में और नीचे स्तर में होंगे, जनता के बीच जाकर उनकी उपलब्धियों की चर्चा और बातचीत करना है, प्रबुद्ध जनों से, पत्रकारों से, इंटेलेक्चुअल से अलग अलग मुलाकात और भेंट करना है। और उसके साथ ही साथ पैरेलल हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा भूपेश बघेल के भ्रष्टाचार को पोल खोलने के लिए। 2000 करोड़ का शराब घोटाला प्रमाणित हो चुका है ईडी के द्वारा। कोयले में 25 रुपया की वसूली पूरे हिंदुस्तान में लोग जानने लगे हैं। न्यायालय में साक्ष्य सहित प्रस्तुत किया जा चुका है। 600 करोड़ के चावल घोटाले के प्रमाण हो चुका है। गौठान में 1300 करोड़ रुपया का अपव्यय भूपेश बघेल की सरकार में हुआ है। ये सरकार ने 4.5 साल सिर्फ बेईमानी, भ्रष्टाचार, लूट के सिवाय कुछ नहीं किया। जनता के बीच कोई ना निर्माण ना कोई विकास के काम हुए। सरकार की घटना है, इसको रोका जाना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। प्रदेश में जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। जहरीली शराब क्या? नकली शराब जब शराब की दुकान में 30% बिक रहा है बिना सरकार के अधिकृत रूप से, बिना टैक्स पटाए, बिना उसमें वेट लगाए, बिना एक्साइज ड्यूटी किए, बिना होलमार्क के अवैध शराब दुकान, तो सरकार खुद बेचने का काम कर रही है, इसकी न गुणवत्ता का कोई ठिकाना, और इसमें लोग बीमार पड़ रहे हैं और मौत हो रही है। जनता पार्टी का एकजुट ना होने का कोई सवाल नहीं है। सरकार की हालत ख़राब है और सरकार में कांग्रेस के अंदर विभाजन साफ साफ दिखता है।